नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सदर विधायक ने किया कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ। कोरोना टीकाकरण को लेकर 25 और 26 अगस्त को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिला प्रशासन और सदर विधायक ने नगर पालिका परिषद भिंड के सहयोग से व्यापार मंडल धर्मशाला में बुधवार सुबह 9:30 पर किया। वही कलेक्टर भिंड ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे जागरूक होकर लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। इस भिंड से आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। सर जी, आज वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, आज कितनी उम्मीद है प्रशासन को, कितने लोग लगभग लगवा सकते हैं? इसमें जिला में 63,000 वैक्सीन डोसेस है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोसेस को आज और कल मिला के सभी लोग को पहला डोज और दूसरी डोज लगाने के आप सभी के सहयोग से और नागरिक के सहयोग से हम करने जा रहे हैं। इससे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो बैठक हुआ जो कल, उसमें भी जो सेंटर्स का जो निर्धारण हुआ है, 130 से ज्यादा सेंटर्स पूरा जिला में बना है और ऐसे बना है कि जिनमें सेकेंड डोज जिन जिन एरिया में ज्यादा ड्यू है उन जगह में विशेष तौर पर ध्यान करके 90 से ज्यादा सेंटर उन्हीं एरिया में बना है जहां लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है, ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। तो हम आपके माध्यम से और सभी का सहयोग से ये सभी से अपील किया जा रहा है कि यहां का जो मध्य प्रदेश शासन का जो ये कार्यक्रम है महाअभियान, इसको सभी सफल बनाएं। ये न ही शासन का योजना है, ये हम सभी के लिए तीसरा लहर से बचाने का एक कवच है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग आगे आके खुद भी करवा लें और अपना साथियों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित। आज जैसे आपने यहाँ व्यापार मंडल में शुभारंभ किया टीकाकरण महाअभियान का, तो उसमें कैसे लोगों की कमी दिख रही है, कम लोग आ रहे हैं अभी? लगभग 30-40 लोग तो जो ऑलरेडी यहाँ रजिस्ट्रेशन में या टीकाकरण इसमें है जी। तो हम और अपेक्षा करेंगे, हमने अभी अनाउंसमेंट भी बढ़वाए हैं कि धीरे धीरे अभी अब बाकी जगह में, क्योंकि कुल मिला के भिंड अर्बन में 9 सेंटर्स बनाए गए, 9 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्र में ठीक ठाक जो रिस्पांस है, अभी देखेंगे कि और सभी जो नागरिक से अपील ये है आपके माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे।